चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और ये सोनमर्ग का पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बर्फ से ढकी वादियाँ। सो गाइस, ये है आपका सोनमर्ग जाने के समय ही रास्ता ये मिलता है, और सोनमर्ग का ही ये रास्ता है। सोनमर्ग से जस्ट कुछ ही देर पहले का ये रास्ता है। सो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सोनमर्ग का तक का सारा टूर और सारा सीनरी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल में, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना अपने दोस्तों, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। चारों तरफ बर्फ है, ठंड भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल मैं घोड़े पे जा रही हूँ। देखिए सो गाइज, असली मज़ा तो मंजिल का नहीं, रास्तों का ही होता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। और हम रास्ते से जा रहे हैं, घुमावदार रास्ते, तरह तरह के नए नए सीनरी देखने को मिल रहे हैं, और बर्फ से ढकी पहाड़ पूरा बहुत ही मनोहर लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और हम लोग धीरे धीरे घोड़े की आवाज़ के साथ, घोड़े के पैरों की आवाज़ के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सोनमर्ग से कुछ ही देर पहले हम लोग हैं। क्या बताएं दोस्त, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है, पहाड़ों में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। जैसे आप देख ही पा रहे हो, बर्फ़ से ढके पहाड़ों की बात ही तो कुछ अलग ही है। So guys, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग सोनमर्ग पहुंच चुके हैं, और ये है मिसेस जो अपने फोन से कैमरा इधर देखो थोड़ा सा। हाय, ठंडा इनको कुछ ज्यादा लग रहा है। ये है कुछ सीन, आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छा, रियली जैसे बोलते हैं ना हम लोग, मतलब धरती का स्वर्ग कश्मीर, ये हम वहीं पे हैं। ठीक है, ये सोनमर्ग है, सोनमर्ग काफ़ी अच्छा है, आप भी आइए घूमिए, इंजॉय करिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा। देखिए बर्फ, हम लोग बर्फ से खेल रहे हैं, ये देखिए बर्फ।
कुछ इस तरह का है, एंजॉय करने का जगह देख सकते हैं। किनको? So, ये है मिसुस और ये वीडियो बना रही है बर्फ में वीडियो बना रही है और हम यहाँ पे हम लोग आगे और भी जाएंगे। जाओ उधर जाओ आप अच्छे से। यह है कश्मीर, धरती का स्वर्ग, और मिसुस है पोज देके इधर फोटो ले रही है। और हमारा देख सकते हो ये इधर कुछ भीड़ लगा हुआ है इधर आदमियों का, देखो इधर। हाय हाय भाई कुछ बोलो। और इधर आगे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, वहाँ भी हम लोग जाएंगे अभी। ठीक है जरा देखिए भीड़, इधर उतना बर्फ नहीं, हालांकि इधर ही सारा है जो भी देखिए, इधर गाड़ी वगैरह स्लेज वगैरह है सब है। रुके सो गाइस, हम बर्फ में चल रहे हैं अभी, बहुत मजा आ रहा है। और हम लोग जा रहे हैं बजरंगी भाईजान का जहाँ पे शूटिंग हुआ था। भैया यहाँ पे पानी घुस नहीं जाएगा? नहीं घुसेगा। और ये हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को दिखाएंगे जहाँ पे शूट हुआ था बजरंगी भाईजान इंडिया पाकिस्तान, जो कि बना था हमारे इंडिया में ही, भारत में ही बना था, कश्मीर में बना था, श्रीनगर में बना था। मैं आप लोग को वो सीन दिखाऊंगा, ठीक है? तब बने रहिए मेरे चैनल में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहीं जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस तरह का नजारे मैं आपको दिखा सकूं फिर से दोबारा। और भी नई नई जगह का देखिए, पैर देखिए कितना घुस जा रहा है बर्फ से पूरा, मतलब देखिए बर्फ ही, मेरे हाथ में भी बर्फ। मजा आ रहा, आप भी कभी आइए, बहुत मजा आएगा दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है? कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। हाँ और ये महसूस मतलब तो ज्यादा ही ठंडा लग गया है। और ये गाड़ी वहाँ जा रही, इधर हम लोग इधर से भी आए, घोड़े से आए हैं, तो वो गाड़ियाँ देख सकते हैं, वो सब में भी चढ़ सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। बजरंग की भाईजान का शूटिंग लोकेशन, जो इस साइड पे था इंडिया और उस साइड पे था पाकिस्तान। इतनी ठंड है कि मुझे बोलनी भी बंद हो गई, मतलब बोल भी नहीं पा रही हूँ। सो यहीं पे था बजरंग की भाईजान का शूटिंग लोकेशन, लास्ट वाला जो सलमान खान मुन्नी को पहुंचा के घर चले जाते हैं। सो गाइस यही है वो जगह जहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, और यहीं पे बना था इधर इंडिया इधर पाकिस्तान, और यहीं पे तार की जाली लगाई दी गई थी। और यहाँ पे एक नाला है एक्चुअली, यहाँ पे उधर पानी बहता है, अभी नहीं बह रहा है, उधर से पानी भी बंद है, और वो दूसरे सीजन में शूट हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा था। और यहीं पे वो जो छोटी लड़की होती है इस पार से उस पार जाती है, यहीं पे वाटर का शूट हुआ था। तो आप देख सकते हो गाइज किस तरह का मूवी में दिखाया जाता है। और हम लोग आज उस जगह पे हैं, उस जगह पे आए हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, आप मूवी में देखोगे तो मूवी पता नहीं चलता है, बट रियली एक्चुअली ये वही जगह है। यहाँ के दर्शक भी बताते हैं, यहाँ के लोग बताते हैं। और मेरी आवाज़ का क्या कहना, मेरी आवाज़ तो निकल ही नहीं रही है, मैं थक ही गया पूरा, वैसे ठंडा है ना जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा। तो गाइज ये देखिए, सो रियली गाइज बहुत ही अच्छा जगह है ये। हम लोग घोड़े से आए, ठीक है, घोड़े से एक्चुअली वहाँ से
आए कुछ दूर तक वहाँ से शेयरिंग में आए, फिर यहाँ से गाड़ी आती है और यहाँ का गाड़ी का सिस्टम ये है कि यहाँ चेन लगा रहता है इनके टायर में, ठीक। दूसरी गाड़ी के लिए ये अलाउ नहीं करते, वहाँ से यूनियन है, तो वहाँ तक आते हैं, फिर वहाँ से जो गाड़ी है वहाँ से ही आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि चलो घोड़ा बुक कर लेता हूँ, घोड़ा का भी प्राइस वही था, तो घोड़ा में हम लोग बुक किए। देखिए घोड़ा वाला भैया वो है, ये भी हम लोग के साथ भी है, घोड़ा को बांध दिया गया है, फिर हम लोग घोड़े से फिर रिटर्न जाएंगे, ठीक है। तो ये है मिस सुस और हम लोग घोड़े से फिर जाएंगे रिटर्न बैक टू आवर डेस्टिनेशन। तो और आज का डेस्टिनेशन हमारा यही था, यही है सोनमार्ग। दोस्तों आप भी आइए, इंजॉय करिए, मस्ती करिए, ठीक है, वीडियोज बनाइए, फोटो छोड़िए, ठीक है। ओके बाय। सो गाइज, तो ये रहा हमारा सोनमार्ग का टूर, फिर आप लोग को आगे का लोकेशन दिखाएंगे, तब तक बने रहिए मेरे चैनल में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो काइंडली जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों मेरा आवाज़ तो निकल नहीं रहा, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, और आपका आवाज़ निकल रहा है क्या? चलिए तो दोस्तों हम लोग फिर से रिटर्न जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। बहुत मजा आया, थोड़ी देर रुके, ज्यादा देर रुके, बर्फ था मतलब था क्या, यहाँ तो है बहुत बर्फ है क्या, और ये बर्फ बिल्कुल ही मतलब व्हाइट, गंदा नहीं है, मतलब वो जो था ना सिक्किम वाला, हाँ वो सीजन भी दूसरा था, बट ये वाला कुछ अलग ही है, बहुत सॉफ्ट है सब। सिक्किम वाला मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी है। दीजिए अभी आपको मजे वाली जिंदगी, सब मजे करो दोस्तों, घूमो फिरो, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह सिस्टम यहाँ पे सीढ़ी में चढ़ना पड़ता है, इस पर से उस पर गेट सीढ़ी में जा पा रहा हूँ, रुको। अगर राइड है तो आप राइड भी चढ़ सकते हो, और ये देखिए राइड जा रहा है गाड़ी, दो है, दो जाना दोनों साथ में जाना। हम लोगों ने राइड नहीं किया क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट कर दिया आने में, सो फिर राइड वाइड करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग घोड़े से हैं, हम लोग गाड़ी से तो आए नहीं, तो घोड़े 10 किलोमीटर चल चल के जाना आप समझ ही सकते हो दोस्तों, इसलिए हम लोग भी ज़्यादा टाइम भी नहीं बिताएं यहाँ पे, थोड़ी इधर बिताएं। और देखिए इस तरह का राइड है, पता नहीं कितना फेयर है, मैंने पूछा भी नहीं, बट इस तरह का राइड भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली हम लोग घोड़े से वहाँ से सोचे, घोड़ा एक 10 किलोमीटर पैदल चल चल के आना, मतलब घोड़ा समझ रहे हो, हम लोग घोड़े पे बैठे हुए थे, घोड़े के साथ साथ जो आदमी था वो भी चल चल के आया, तो बहुत सारे घोड़े देखिए यहाँ पे, ये घोड़े हमसे हम लोग आए, बहुत सारे घोड़े रखे हुए, तो ये घोड़े से उधर से बैठा के आते हैं और घोड़े से फिर चले भी जाते हैं। तो घोड़े का कॉस्ट उन्होंने मुझे बोला था पहले 3,000, ठीक है, मैंने उन्हें बार्गेनिंग थोड़ा सा किया और उनको मैंने 2400 बोला है, देखिए भी कितना तक मानता है, 1500 मैंने दे के आया हूँ और बोला बाकी पैसे आप आके दे देना। तो इसी घोड़े से हम लोग अभी जाएंगे, दोनों घोड़े से हम लोग सवार होकर आए। यहाँ पे देखिए एक रेस्टोरेंट भी है, वानी रेस्टोरेंट, यहाँ पे बेसिकली आपको मैगी भी गरम गरम अच्छा लगता है, हम लोग वहाँ पे मैगी खाएं भी। इतना अच्छा व्यू है, इतना सुंदर सा कि छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा मेरे को मोबाइल।
समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना?